हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर साइंस आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास टेंथ साइंस के ऊपर, कक्षा दस विज्ञान के ऊपर। डियर स्टूडेंट्स, अपनी पिछली क्लासेस में हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं चैप्टर थ्री, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु। और इस चैप्टर के हम लोग लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग धातुओं की प्राप्ति यानी धातु निष्कर्षण को देख रहे हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में ये देखा था कि किस प्रकार जो सक्रियता श्रेणी यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो नीचे की स्थित नीचे की जो पोजीशंस पर जो धातुएं होती हैं, यानी सक्रियता श्रेणी के जो अंत की जो धातुएं होती हैं, जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनको हम किस प्रकार से निष्कर्षित करते हैं, यानी प्रकृति से हम इनको किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, इनके अयस्कों से हम इसको किस प्रकार प्राप्त करते हैं, हमने पिछली क्लास में देखा था। हमने ये देखा था कि जो सक्रियता श्रेणी में नीचे स्थित धातु है, उनको सिर्फ गर्म करने से ही, ओनली जस्ट बाय हीटिंग, हम उनको प्योर फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो स्थित धातुएं हैं, ये हमने देखा था कि कार्बोनेट सल्फाइड के रूप में मौजूद होती हैं, जिसमें कि मैंने आपको कुछ उदाहरण भी दिखाए थे। और इनको भर्जन निस्तापन की प्रक्रिया द्वारा पहले तो इनके ऑक्साइड रूप में परिवर्तित किया जाता है, और फिर इनके ऑक्साइड से इनका अपचयन किया जाता है। कार्बन के द्वारा हमने देखा था कि इनका अपचयन किस प्रकार से होता है। आज की क्लास में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो थर्मिट प्रोसेस, इसके बाद हम लोग ये बात करेंगे कि जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की धातुएं हैं, है ना, उनको हम किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, क्या उनके लिए प्रोसेस है। और उसके बाद हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो कि हमने चैप्टर वन में भी देखा था, और चैप्टर वन में मैंने आपको बोला था कि चैप्टर थ्री में इसे हम दोबारा से पढ़ने वाले हैं, तो उस टॉपिक का नाम भी है। आज हमको तीनों चीजें कवर अप करनी है। आई होप आप सबके साथ फिट फाइन हेल्थी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने ये बात करी थी, कुछ पॉइंट्स के फॉर्म में यहाँ पर लिख रहा हूं, ठीक है, देखते जाओ वन बाय वन। हमने ये बोला था कि सबसे पहले हमने क्या किया था, सेकंड वाली प्रोसेस जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में आने वाली धातुएं थी, जैसे कि जिंक हो गया, है ना, जिंक के लिए हमने देखा था। अब हमने क्या किया था, सबसे पहले इनको, जैसे ये सल्फाइड रूप में होंगे या कार्बोनेट रूप में होंगे, तो सबसे पहले हमने इनको ऑक्साइड रूप में परिवर्तित किया था। किसमें? इनके ऑक्साइड फॉर्म में। उसके लिए हमने दो प्रोसेस करी थी, सल्फाइड होगा तो हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, कार्बोनेट होगा तो हम कौन सी प्रोसेस करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया है। इसके लिए हम निस्तापन प्रक्रिया का प्रयोग करते थे, और इसके लिए हम लोग करते थे भर्जन प्रक्रिया का प्रयोग। ओके, तो भर्जन और निस्तापन की प्रक्रिया द्वारा सल्फाइड या कार्बोनेट जो रूप है धातु का, उसको हम कन्वर्ट करते थे ऑक्साइड फॉर्म में, एंड देन ऑक्साइड को हम क्या करते थे, अपचयन के द्वारा हम यहाँ से शुद्ध धातु जो है प्राप्त कर लेते थे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती थी। अब देखो, यहाँ से ये वाला जो प्रोसेस है ऑक्साइड जो अपचयन करने का, ठीक है, इसमें एक इसमें एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम धातु को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर एक और प्रोसेस कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग भी किया जा सकता है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखना कि जैसे जो अत्यधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, ये सारी क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। एल्यूमिनियम हो गई, ठीक है, एल्यूमिनियम भी इसमें आएगा, आदि को अपचायक के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। हमने क्या देखा था पिछली अभिक्रिया में, याद होगा अगर आपको, तो हमने कार्बन को अपचायक के रूप में प्रयोग किया था। यहाँ पर हम इनको भी अपचायक के रूप में, जो हम जनरली अपचायक के रूप में प्रयोग करते हैं जिन धातुओं को, वो धातुएं हैं सोडियम, और इसके अलावा कैल्शियम हो गया और एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो जनरली हम इन धातुओं को प्रयोग करते हैं को अपचायक के रूप में
प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, ये क्या करती है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु अपने से कम। हमने ये बात करी है, पहले 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 पॉइंट लिख लेते हैं फिर समझाता हूं। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को निम्न अभिक्रियाशील धातु को उनके यौगिक से विस्थापित कर दी। ठीक है, हमने ये देखा था कि जो सक्रियता श्रेणी में ऊपर स्थित धातु है वो अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, नीचे स्थित धातु कम अभिक्रियाशील। तो जब विस्थापन अभिक्रिया होगी तो ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को विस्थापित कर लेती है। हमने ये विस्थापन जो चौथे प्रकार की अभिक्रिया हमने देखी थी उसमें हमने बात को अच्छे तरीके से समझा, तो वही पॉइंट मैंने लिखा है, कुछ नया नहीं लिखा है। अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को उनकी यौगिक से विस्थापित कर देती है। इसका उपयोग हम यहाँ पर अपचायक के रूप में कर सकते हैं। कैसे, हम क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज हम क्या करते हैं, उदाहरण के लिए देखो, एक एग्जाम्पल देखो, उदाहरण जैसे मैग्नीज का ऑक्साइड है, मैग्नीज का ऑक्साइड है MnO2। ठीक है, इसको जब हम एल्यूमिनियम से, इनको जब इसकी अभिक्रिया जब हम एल्यूमिनियम से कराते हैं, तो एल्यूमिनियम मैंने क्या लिखा है, अत्यधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, तो ये अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है और ये मैग्नीज जो है कम अभिक्रियाशील धातु है। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसका अपचयन कर देगा। कैसे, देखो मैग्नीज का अपचयन मतलब मैग्नीज से ऑक्सीजन निकल जाएगा और एल्यूमिनियम में जुड़ जाएगा Al2O3। ठीक है, तो इस समीकरण को पहले संतुलित कर लेते हैं, 3MnO2 प्लस 4 एल्यूमिनियम गिव्स 3Mn एंड twice Al2O3। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात कि अभिक्रिया तो होती है, इसमें अपचयन तो हो गया धातु का, लेकिन लेकिन बच्चों इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि ये अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है, यानी कि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है और ये ऊष्मा बहुत अधिक मात्रा में होती है, यानी कि इस अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ये ऊष्मा इतनी होती है कि जो धातु हमें प्राप्त होती है वो लिक्विड स्टेट यानी गलित अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, जो धातु हमें प्राप्त होती है वो गलित अवस्था में प्राप्त होती है, बात समझ में आई। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इस प्रोसेस में जो हमारे पास धातु थी, धातु का ऑक्साइड ठोस अवस्था में था, अभिक्रिया हुई, हमको धातु तो मिली, लेकिन अभिक्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होने के कारण, अत्यधिक हीट जनरेट होने के कारण जो धातु है वो हमें गलित अवस्था में मिली, यानी लिक्विड स्टेट में मिली। आई बात समझ में, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही एक जो इस जो प्रोसेस है हम इसकी इसका उपयोग करते हैं, तो इस पॉइंट को आप बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिए और इंपॉर्टेंट पॉइंट बना करके लिख लीजिए कि जो इसे मैं यहां से मिटा करके ऊपर लिख लेता हूं। ठीक है, यहां पर लिखेंगे आयरन ऑक्साइड। देखो आयरन के दो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ धातुएं ऐसी हैं जिनके दो दो ऑक्साइड होते हैं, वो दो ऑक्सीकरण अवस्था में, ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी दो होती है। आयरन के दो ऑक्साइड है Fe2O3 और Fe3O4। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको कौन सा वाला आयरन ऑक्साइड की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, Fe2O3 इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया। अब देखो एल्यूमिनियम क्या है, अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु,
आयरन का ऑक्साइड है, तो आयरन क्या है, कम अभिक्रियाशील धातु है, तो यहाँ पर ऊपर की जैसी अभिक्रिया होगी। देखो ध्यान से, यह अभिक्रिया क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, नेम रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया, तो अभिक्रिया करवाइए, आयरन ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाइए, Fe2O3 कैसी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में, ठीक है। एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कराइए, भी कैसी अवस्था में होगा, ठोस अवस्था में होगा। होगा क्या, एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील है, आयरन कम, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा, है ना, आयरन का अपचयन कर देगा, Al2O3, और आयरन क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा का भी उत्सर्जन होगा, विस्थापन अभिक्रिया हुई, अभी अभी बताया, इस अभिक्रिया में अत्यधिक ऊष्मा का, इसीलिए आयरन हमको लिक्विड स्टेट यानी गलित अवस्था में प्राप्त होगा, मेल्टिंग स्टेट में, ठीक है। ये हो गया सॉलिड, हो गया, और ये हो गया अभिक्रिया, ठीक हो गई बात, तो इस चीज को समझ गया। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया कुछ इस प्रकार से होता है, एल्यूमिनियम को ऑक्साइड बनता है, और आयरन जो है लोहा हमें गलित अवस्था में प्राप्त होता है। तो इसमें आप एक पॉइंट लिखेंगे कि लोहा द्रव अवस्था भी कह सकते हैं, गलित अवस्था भी कह सकते हैं, प्राप्त होता है, तो हम इस गलित लोहे को क्या करते हैं, जैसे पटरी होती है, रेलवे रेलवे पटरियां होती हैं जो बीच से टूटी हुई होती हैं, अब हम पूरी पटरी उखाड़ करके उसको ठीक कराने के लिए नहीं ले जा सकते, तो हम क्या करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, इसमें जो लोहा बना पिघला हुआ लोहा उसको उस दरार में डाला और उसे ठंडा होने दिया, ठंडा होने के बाद लोहा अंदर सेटल हो जाएगा और पटरी जो होगी जिसमें दरार होगी वो ठीक हो जाती है। तो इस अभिक्रिया का प्रयोग हम क्या करते हैं, इस प्रक्रिया को प्रयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने में करते हैं, एंड इस अभिक्रिया का एक अपना नाम भी है, इसे हम कहते हैं थर्मिट अभिक्रिया, तो लिख लेंगे, इसे हम थर्मिट अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये हो गई हमारी थर्मिट अभिक्रिया, और थर्मिट अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, यह बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस चीज को एग्जाम में आपसे कभी कभी जो होता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेल के पुर्जों को जोड़ने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं, जब रेल के पुर्जों को थर्मिट प्रक्रिया द्वारा जोड़ा जाता है तो उसके लिए एक संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। आई थिंक मैंने संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं लिखी है, ओके, इसको संतुलित कर लेते हैं, टू आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर टू आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक हो गया, थर्मिट प्रक्रिया समझ में आ गई, ठीक है, गुड। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, और नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर स्थित धातुएं कौन कौन सी है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम,
तो हमने क्या कहा है कि ये जो धातुएं हैं इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता अधिक होती है। अभिक्रियाशीलता अधिक होने के कारण ये धातुएं जो हैं कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिल सकती हैं। जैसे एजी है, सिल्वर है, गोल्ड है, इनकी अभिक्रियाशीलता तो कम है तो हमें ये मुक्त अवस्था में प्राप्त हो जाती है। लेकिन जो सोडियम जो ऊपर सबसे ऊपर स्थित धातुएं हैं ये कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं मिलती है ना, ये ऑक्साइड क्लोराइड इन फॉर्म्स में ये रहती ही है। तो हम इनको ना तो सीधे गर्म करके ना भर्जन निस्तापन प्रक्रिया द्वारा हम इनको निष्कर्षित कर सकते हैं। हम इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसको यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण, विद्युत अपघटनी अपचयन। विद्युत अपघटनी अपचयन इस प्रक्रिया में क्या होता है, देखिए अपचयन से आप मतलब समझ रहे होंगे कि यहां पर भी अपचयन हो रहा है, लेकिन लेकिन विद्युत अपघटनी अपचयन में हम क्या करते हैं, हम इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, देखिए इस प्रक्रिया में एक एनोड और एक कैथोड होता है, ठीक है, और एनोड और कैथोड पर हम लोग क्या कर देंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे तो हम इसको विद्युत अपघटनी, तो धातु का क्या होता है, धातु अपघटित हो जाती है और हमको शुद्ध धातु जो है वो कैथोड पर मिल जाती है। सीधा सीधा मतलब ये है। तो इन सभी बातों को मिला करके इसका नाम पड़ा है विद्युत अपघटनी अपचयन। तो इसमें आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है, एक तो रखना है एनोड, एक रखना है कैथोड, एनोड और दूसरा कैथोड। तो जिस धातु का आप निष्कर्षण कर रहे हैं, जिस धातु का आप निष्कर्षण कर रहे हैं उसे आप कैथोड बनाएंगे, उसे आप क्या करेंगे, कैथोड बनाएंगे। तो यहां पर जो शुद्ध धातु होगी वो हमको कैथोड पर मिलेगी, सॉरी सॉरी कैथोड, और एनोड पर आप क्या करेंगे, एनोड पर हम ये देखते हैं कि जो अशुद्धि है वो हमको एनोड पर देखने को मिलती है। सिंपली आप ये बात समझेंगे, जैसे अगर सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम धातु यहाँ मिलेगी और क्लोराइड जो होगा वो यहाँ मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट्स, विद्युत अपघटनी अपचयन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन को हम लोग समझते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आई होप आज की क्लास आपने एंजॉय किया होगा, आज की क्लास में जो जो बातें बताई गई वो आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी और आप उन्हें घर से एक बार जरूर रिवाइज करके लाएंगे। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।